माँ को देखो, वो हर हाल में गाना गाती हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। अंतरा, तुमने दो अलग अलग तरह के रिबन बांध रखे हैं। हाँ माँ, मुझे दोनों रंग पसंद हैं, इसीलिए मैंने दोनों को साथ पहना है। ठीक है, जैसे भी तुम खुश रहो। चलो अपना लंच बॉक्स लो। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, शायद मैं इनके ग्रुप में रहने के लायक नहीं हूँ। सबके पास सुंदर सुंदर टिफिन है और सब साथ में खाना खाते हैं। कोई भी अपना खाना मेरे साथ नहीं बांटता। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हेलो अंतरा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? क्या तुम ठीक हो बेटा? मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान हो, सब ठीक तो है? मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। जब भी मैं इन सबको एक दूसरे के साथ बात करते, खेलते और गाना गाते सुनती हूँ, मुझे लगता है मैं उनके ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे अपने टिफिन भी नहीं बांटता, मैं हमेशा अकेले खाती हूँ। अंतरा, मुझे गर्व है कि तुमने अपने मनोभावों को व्यक्त किया। तुम्हारी माँ ने पौष्टिक खाना दिया है, जो कि एक सुंदर टिफिन बॉक्स से कहीं बेहतर है। मैं समझ सकती हूँ कि कई बार ये तुम्हारे लिए काफी कठिन होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी परिस्थितियों में भी सकारात्मक तरीके से कार्य करने की क्षमता है। तुम अकेली नहीं हो, तुम अपने चुने तरीकों से ऐसी मनोभावों से निपट सकती हो। मेरी माँ कहती है कि जब भी कभी मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाऊँ तो इस गाने को गाऊँ और इससे मुझे सुकून मिलता है। ओह, इसलिए तुम कोने में बैठकर ये धुन गुनगुना रही थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। हमारा विद्यालय एक अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ आएं और कक्षा के लिए कुछ पंक्तियाँ गाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा प्रयास बच्चों, और कोई? अंतरा, हाँ? क्या तुम कक्षा को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहोगी? बालों को तो देखो, वो दो अलग अलग रंगों के रिबन बांधे हुए हैं। कितनी बेवकूफ है। मैम कितनी अच्छी हैं और मेरी मदद करती हैं। माँ ने मुझे प्रेरणा दी, जिसके कारण आज मैं अच्छा गा सकती हूँ। मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकती हूँ। अंतरा ने अपने चुनौतीपूर्ण मनोभावों को नियंत्रित किया। जैसे वो अपनी कक्षा के सम्मुख खड़ी हुई थी, उसी ऊर्जा के साथ फिर से वो अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। वाह, इस लड़की की कितनी बेहतरीन आवाज है। मुझे बहुत पसंद आया इसका गाना। ये हमारी बेटी है। अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है अंतरा को। मनोभावों को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। हमारी देखने, सुनने, सूंघने, छूने और सोचने की क्षमताओं की ही तरह महसूस करने की क्षमता भी आत्म जागरूकता के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। मनोभावों को व्यक्त करने की क्षमता किशोरावस्था में बहुत मायने रखती है, जिस उम्र में किशोर भावनात्मक दबाव का सामना करते हैं। हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपको अपनी भावनाएं दूसरों से साझा करनी चाहिए। आपके भीतर प्रेम और सहयोग की भावना है और आपका मानसिक स्वास्थ्य व भावनात्मक भलाई बहुत मायने रखती है।